बांग्लादेश से नीचे चली गई है, हम देखते हैं नेपाल से नीचे चली गई है, पाकिस्तान से नीचे चली गई है, श्रीलंका से नीचे चली गई है। 113 सुपर लीग थे 2019 में, 2020 में उसमें 40 जोड़े हैं तो 143 लोग हो गए। तो 143 लोगों में जिनमें कि आपने जैसे भी नाम लिया, अडानी है, अंबानी है, आधार पूना वाला है और दूसरे इंडस्ट्री का, तो आपको बड़ा धक्का लगेगा कि 143 में से आज के समय में, आज के दिन जिस दिन हम बात कर रहे हैं, 110 लोग हिंदुस्तान में नहीं रह रहे। 67,000 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेशों में उन्होंने पेड़ नागरिकता ले लिया। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्काम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार धरातल में जा रही है और उसे छिपाने के लिए मोदी सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, साथ ही लोगों को गुमराह करने का काम भी कर रही है। वो कुछ इस तरह से कि अभी सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार नए नोट छापने में लगी हुई है ताकि वो किसी तरह इस चीज को थोड़ा कम कर सके, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई बढ़ रही है। देश से पढ़े लिखे लोग और अमीर लोग दूसरे देशों में नागरिकता ले रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है और जैसे जैसे हम लॉकडाउन से बाहर आते जा रहे हैं तो अब इस चीज का असर हमें देखने को मिलेगा। रविंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं इन सब मुद्दों को लेकर? देश की हालत इस समय बहुत विचित्र है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो है मोदी सरकार की मेहरबानियों की वजह से गर्त में बैठ गई है। हम देखते हैं कि देश में जो बजट है उसमें जब पेश किया जाता है तो अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें यह आंकड़ा है कि 4 साल में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था की नाजुक हालत जो है, 40 सालों में अर्थव्यवस्था की सबसे नाजुक हालत जो है मोदी काल में हुई है और हमारी अर्थव्यवस्था जो है इस समय जो है -7.3 की रफ्तार पे पिछले साल रही। और दूसरी ओर एक दूसरी चमकाने वाली खबर आती है जिसमें कि जो मोदी सरकार के जो रिजर्व बैंक है और नीति आयोग है वो ये घोषणा करता है कि देश में जो बजट घाटा है जिसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, जो कि देश की जीडीपी का 3% होना चाहिए था और ये अनुमान लगाया था कि कोरोना काल में ये जो है 9.7% माइनस रहेगा, तो मोदी सरकार ने बड़े गर्व के साथ ये बताया कि ये 9.5 की जगह ये 9.3% रहा है। और 9.3 रहने का मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में जितना नुकसान का अंदेशा था उससे कम नुकसान हुआ। तो जबकि ये बात जो है अपने आप में सरासर झूठ है क्योंकि 2006 में ये मनमोहन सिंह सरकार ने एक आर्थिक फैसला लिया था और पूरी दुनिया में माना जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो फिस्कल डेफिसिट है वो उसकी जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वो 3% से ज्यादा है तो वो एक खतरे की घंटी है। लेकिन मोदी सरकार में ये फिस्कल जो डेफिसिट है वो जीडीपी का 9.3% रहा है पिछले साल, जिससे पता चलता है कि जो पिछले साल का बजट था, जो 2020 और 2021 का बजट था जो कि 30,40,000 करोड़ रुपए का बजट था, उसमें मोदी सरकार को 18,61,000 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं मिला है। टैक्स नहीं मिलने का मतलब है कि 12 लाख करोड़ का टैक्स मिला और उसको सरकार ने खर्च किया और 18 लाख करोड़ का कर्ज उसको नहीं मिला। अब ये सवाल आता है कि पैसा आया कहाँ से, सरकार का खर्चा कैसे चल रहा है? तो हम देखते हैं कि जब 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी तो मोदी सरकार ने आकलन लगाया था कि देश में प्रचलन में जो है 17,97,000 करोड़ की करेंसी नोट है। और उस समय के बाद जब मुद्रा को बंद कर दिया गया था, 1,000 रुपए के नोट को, 500 रुपए के नोट को, और उसकी जगह नए नोट आए थे 500 के और 2,000 के, तो जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि 17,97,000 की जगह 18 करोड़ लाख के नोट वापस आने चाहिए थे, जो 19 लाख करोड़ के नोट वापस। उसके बाद मोदी सरकार ने नोटों को छापने की जो परंपरा है उसे जारी रखा और हम सरकारी आंकड़े रिजर्व बैंक के बताते हैं कि 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 के बीच में 5,01,000 करोड़ के नए नोट छापे गए और उसके बाद जो है 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 के बीच में 3,70,000 करोड़ के नए नोट छापे, यानी 2 साल में कुल नोट जो है 8,70,000 करोड़ के नोट मोदी सरकार ने छापे। अभी पिछले दिनों कई अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें कि रघुराम राजन हैं, जिनमें कि पी चिदम्बरम जो कि भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 4 लाख करोड़ के नए नोट छापने चाहिए और ये पैसा जो है डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम में जनता को, गरीब जनता को दिया जाना चाहिए,
क्योंकि गरीब लोग जो भूखे मर रहे हैं उनके हाथ में पैसा आएगा और वो अपनी डिमांड को अपने भोजन अपने कपड़े अपनी जरूरतमंद की चीजों के लिए मार्केट से वो चीजें खरीद सकेंगे, जिससे कि जो कंपनियां उस तरह की चीजें बनाती हैं उनको जो है डिमांड मिलेगी, उनमें रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में स्टिमुलेशन होगा, अर्थव्यवस्था में गति आएगी। और कीन्स का जो एक फार्मूला है 1928 का कि अर्थव्यवस्था में जब आप बेसिक स्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं उससे रोजगार सृजित होते हैं तो वो होंगे। लेकिन ये बात जो है दोनों अर्थशास्त्रियों के कहने के बाद सरकार चुप बैठी है, ये बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि मोदी सरकार हर तरह के जो उसको सुझाव मिलते हैं उस पर एक तरह से हमलावर हो जाती है, जो उसे सुझाव देता है, चाहे वो सोनिया गांधी ने सुझाव दिए हों या राहुल गांधी ने कभी सुझाव दिए हों उस पर मोदी सरकार जो है बताती है, मनमोहन सिंह ने जो सुझाव दिए उनपे जो है सामने वाले को सुझाव देने वाले को बेइज्जत करने की हर तरकीब जो है मोदी सरकार अपनाती है। अब ये सवाल आता है कि चिदम्बरम के बयान पर और रघुराजन के बयान पर सरकार क्यों नहीं बोली, तो सच ये है कि मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2021 से लेकर आज छठा महीना चल रहा है अब तक जो है 3 लाख करोड़ रुपए के नए नोट और छापी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उन्होंने 5,01,000 करोड़ के नए नोट छापे, फिर 3,70,000 करोड़ के नए नोट छापे और अब तक वो 3 लाख करोड़ के नए नोट छाप चुके हैं। तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए की नई करेंसी मोदी सरकार छाप चुकी है और मोदी सरकार ने आपको याद होगा कि अगस्त में फैसला किया था कि 2,000 करोड़ के 2,000 रुपए के नोट के जो नए नोट है वो नहीं छापे जाएंगे। उसके हिसाब से पता चलता है कि मार्च में अप्रैल में मई में और जनवरी से लेकर अब तक जो है तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों के रोजगार तिरछिन गए हैं। तो ऐसी हालत में देश में जो है बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, भूखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार के पास पैसा नहीं है, लोग खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार अपनी इमेज में लगी हुई है जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रसातल में चली गई है, बर्बाद हो रही है और खत्म हो रही है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे, देश में पिछले कई बड़े कारोबारी भी भागे हैं जिसमें मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, तो इन सबसे अर्थव्यवस्था पे कितना फर्क पड़ा था? और अभी हाल फिलहाल मेहुल चौकसी को लाने का जो एक तरह से नाटक ही कहूंगा मैं, क्योंकि वो वापस तो आ नहीं पाए, तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? एक बड़ी विचित्र स्थिति में देश फंसा हुआ है। देश का जो पूंजीपति है वो देख रहा है कि देश में जो कानून है और देश की जो न्याय की स्थिति है उसमें मेरी कई लोगों से आमने सामने बात होती है तो मेरे भी कहते हैं कि अभी देश जो है रहने लायक नहीं रहा। वो कहते हैं हमने तो झेल लिया लेकिन हमारे बच्चे इसको नहीं झेल पाएंगे। तो वो दरअसल ये कहते हैं कि पूरा का पूरा परिवार, फैमिली की पूरी फैमिली हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ले रही है। और 2015 में जो कानून बने पैरा के, ईडी के या जीएसटी के या नोटबंदी के टाइम में, उससे लोग इतने घबरा गए, उन्हें लगता है कि कोई भी अफसर आकर आपके दफ्तर में कभी भी दबक जाएगा, कभी भी आपको अरेस्ट कर लेगा, अदालत में आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो तकरीबन आप देखेंगे 67,000 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेशों में उन्होंने पेड नागरिकता ले लिया। पेड नागरिकता का मतलब ये होता है कि जैसे मेहुल चौकसी गया तो उसने जो है एंटीगुआ में 30 करोड़ रुपए जो है वहां की गवर्नमेंट को और वहां के बैंकों में जमा किए और वो कहकर उसने और उसकी बीवी ने वहां पर जो है नागरिकता ली, मतलब एक आदमी ने 15 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह पेड नागरिकता जो है आप देखेंगे कनाडा में मिलती है, यूएस में मिलती है, यूरोप के देशों में मिलती है। वहां ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट क्या ला रहे हैं, अगर आप एसेट ला रहे हैं उस देश की नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपिटल को बढ़ाने की काम करते हैं तो वो आपको सिटीजनशिप दे देते हैं। तो मैंने आपको बताया 67,000 लोग गए हैं, अगर एक आदमी ने भी 10 करोड़ रुपए दिए हों तो देश का 6,70,000 करोड़ रुपए तो विदेशों में चला गया है। दूसरी ओर आप देखते हैं मेहुल चौकसी हो या नीरव मोदी हो, ये तो बड़ा पैसा लेके गए हैं, जैसे विजय माल्या है वो 1,000 करोड़ में लेके पैसा गया है और इन्होंने सबने इंटरनेशनल कंपनियां बना रखी हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी जो है जो मुकेश अंबानी है उसने अपने रहने के लिए लंदन में सबसे महंगी जगह पर जो है 700 करोड़ रुपए का घर खरीदा है। तो घर इसलिए खरीदा है क्योंकि उन्हें लगता है कि जब विदेश जाना होगा विदेश चले जाए। आधार पुणे वाला भी गया जी। सारे आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के जितनी फिल्म इंडस्ट्री है उसके 90% लोग जो है आज के दिन हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। अक्षय कुमार देखेंगे तो वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, और किसी शाहरुख खान को देखेंगे वो NRI बना हुआ है, अमिताभ बच्चन NRI बना हुआ है। तो ये सारे लोग जो है हिंदुस्तान में अपना जो है चेहरा तो रखते हैं लेकिन दरअसल जो है इनके हित जो है विदेशों में, और इन्होंने ये किया है कि भारतीय सिटीजनशिप ले लें हिंदुस्तान में है। जैसे भारत सरकार ने खुद अभी पिछले दिनों डाटा जारी किया कि 2020 में 6,883 अरबपति जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले गए, उन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली, जो मैंने आपको फार्मूला बताया। और जो सुपर रिच है
113 सुपर स्टेट 2019 में, 2020 में उसमें 40 जुड़े हैं, तो 143 लोग हो गए। तो 143 लोगों में जिनमें कि आपने जैसे भी नाम लिया, अडानी है, अंबानी है, आधार पूना वाला है और दूसरे इंडस्ट्री का है, तो आपको बड़ा धक्का लगेगा कि 143 में से आज के समय में, आज के दिन जिस दिन हम बात कर रहे हैं, 110 लोग हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, उनके परिवार हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, सब हिंदुस्तान छोड़कर चले गए हैं। हिंदुस्तान का जो कैपिटल है, हिंदुस्तान की जो प्रतिभा है, हिंदुस्तान के जिन लोगों में डेवलपमेंट करने की स्थिति है, वो बाहर भाग जाते हैं। तो पहले तो ब्रेन ड्रेन होता था कि किसी डॉक्टर को नौकरी नहीं मिली हिंदुस्तान में, किसी साइंटिस्ट को नहीं मिली, जैसे हरगोविंद खुराना थे, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं मिली तो वो जो है अमेरिका में चले गए, वहां उन्होंने नोबेल अवार्ड जीता। इसी तरह अमृत सेन है, वो बाहर चले गए, तो आप सारे नोबेल अवार्ड विनर हैं वो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन आप पाएंगे कि वो जो इंडियन ओरिजिन के सारे हैं वो विदेशों में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई भी नहीं रह रहा। तो ऐसी हालत में होता क्या है कि ये लोग अपनी प्रतिभा भी ले जाते हैं, अपने साथ पैसा भी ले जाते हैं, देश का मान सम्मान भी ले जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड क्रीम, जो कि उच्च शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, अगर वो सारे के सारे हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे तो हिंदुस्तान में कौन से लोग रह जाएंगे? वही रह जाएंगे जो अनपढ़ गवार है, जाहिल है, जो कि राम नाम जय श्री राम वाले करते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, और जो प्रतिभा है, प्रतिभा का जो हमारे देश से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो एक बड़ा संकट का स्थिति है। और मोदी काल में लोगों के मन में भय बैठ गया है कि हिंदुस्तान में आप सुरक्षित नहीं हो, हिंदुस्तान में कोई भी कानूनी अधिकारी आकर आपको बंद कर सकता है, किसी अदालत में आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसी हालत में हिंदुस्तान की प्रतिभा का जाने का मतलब यह है कि होना तो उल्टा ही चाहिए था कि बाहर के लोग हिंदुस्तान आते, हिंदुस्तान में उद्योग लगाते, हिंदुस्तान में पैसा लाते, लेकिन वो उल्टा रहा है। और अब एक धारणा पूरी दुनिया में फैल गई है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर आप सुरक्षित नहीं है, अदालतें आपको न्याय नहीं देंगी, और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जिनको हिंदुस्तान आना चाहिए वो भी नहीं आ रहे, और इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था जो है बांग्लादेश से नीचे चली गई है, हम देखते हैं नेपाल से नीचे चली गई है, पाकिस्तान से नीचे चली गई है, श्रीलंका से नीचे चली गई है। एक दिन आएगा कि पता चलेगा कि हमारे देश को जो है, अभी जैसे केन्या ने 12 टन हमें वो खाना भेजा, हो सकता है सोमालिया जो दुनिया का सबसे भूखड़ देश है जहाँ के लोगों को खाना नहीं मिलता, वो भी हिंदुस्तान को नमक या कुछ चीज भेज दें। तो ये देश के लिए शर्म की बात है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए शर्म की बात है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भारत सरकार जो है आंकड़ों से खेलती है, छिपाती है, बताती नहीं, सच बोलना तो इनका यानी समझिए इनकी गुटी में है ही नहीं, और इसीलिए देश जो है पतंग की गर्त में रोज जा रहा है और रोज जाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रखी है जिसे सुनकर हर भारतीय शायद चौंक जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा। जहाँ देश की क्रीम जिसे माना जाता है वो लोग बाहर जा रहे हैं, वहीं सरकार आंकड़ों के साथ लगातार खेल रही है। आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।